हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम प्रवीण और आज हम आपके साथ हैं हमारे नए टॉपिक, और जो टॉपिक है वो क्लास 8 के रिगार्डिंग है। चैप्टर नंबर आई थिंक 2 है, ओके। और उसका नेम क्लास आपका 8 है, राइट, जिसका चैप्टर है आपका 2 एंड नेम इज पॉलीगन। ओके, पॉलीगन एक वर्ड है आपका पॉलीगन, और ये जो चैप्टर है आपका ये है 3 आई थिंक, ओके 3। तो पॉलीगन की बात करते हैं। पॉलीगन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे कि पॉलीगन, व्हाट इज पॉलीगन? सुना सबने है, लेकिन अगर मैं डेफिनेशन पूछूंगा तो थोड़ा टिपिकल हो जाता आपके लिए। तो पॉलीगन की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीगन जो होता है एक क्लोज शेप होता है, क्लोज शेप लाइक बंद लूप। बंद लूप कैसे, कि वो ओवरऑल सारी जो साइड्स होती है उससे वो पैक होता है, कहीं से ओपन नहीं होता। सपोज करो ये मेरे पास एक डायग्राम है, ठीक है जी, बहुत आर पॉलीगन। आपने बोला ये दोनों क्या है सर? पॉलीगन है, ओके। तो चलो सर, आपने बोला मान लिया, और तो पॉलीगन का एक डेफिनेशन, मेजर डेफिनेशन क्या होता है कि जो भी आपका अपना डायग्राम होता है, फिगर होता है, वो कैसा होता है? क्लोज शेप में होता है, क्लोज शेप लाइक बंद होता है, वो कहीं से भी ओपन नहीं होता। तो यहां देखिए, ए बी बी सी और ए सी, ये इसके क्या है, साइड्स है। यहां भी सेम, ए बी बी सी सी डी और डी ए इसके साइड्स है, और ये जो शेप है या फिगर है ये पूरा क्या है, पैक है, क्लियर। तो जो इसके सेगमेंट्स होते हैं ये ए बी बी सी ए सी, ये क्या होते हैं आपके सेगमेंट होते हैं, राइट। और ये जहां सेगमेंट्स आपके मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर, सपोज करो ए बी सेगमेंट और बी सी सेगमेंट एक पॉइंट पर मिला, तो ये जो पॉइंट होता है ये आपका क्या कहलाता है, इसका वर्टिसेस, क्या कहलाता है, वर्टिसेस, और उसको आप बोलते हैं सिस, क्लियर, ओके। क्या कहलाता है, सिस। और ये जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं ये इसकी क्या कहलाती है, साइड्स। जो दो साइड्स होती हैं उनको मिलाने पर जो पॉइंट आपको मिलता है वो आपका क्या होता है, सिस या वर्टिसेस, क्लियर। और जब ये सारे सिस, वर्टिसेस और तीनों साइड्स, जब सारी साइड्स आपस में मिल जाती हैं और एक जो फिगर बनता है, एक डायग्राम बनता है, उस डायग्राम को आप क्या बोलते हैं, पॉलीगन, या फिर उसको आप क्या बोलते हैं, क्लोज शेप, क्लोज शेप, राइट, क्लियर है। तो अब इसमें कुछ आपको इश्यू नहीं होगा मेरे हिसाब से, कि जो चीज मैंने आपको बताए, ओके। तो देखिए, तो इससे जो फिगर बनता है वो आपका क्या कहलाता है, पॉलीगन, ओके, क्लियर है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इसके रिगार्डिंग हमको कुछ एंगल्स गिवन होंगे, ओके, और कुछ एंगल्स का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा, जो नंबर ऑफ फिगर्स लाइन, उसका साइड्स है, कितने साइड्स है, ये फाइंड करना होगा, इंटीरियर एंगल फाइंड करना होगा। यहां पर देखते हैं इंटीरियर एंगल की अगर बात करते हैं, तो ये जो ए बी एक लाइन है आपका, राइट, एक बी सी भी आपका लाइन है सेम, तो जो ए बी जो एंगल ये बना रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये ऑल जो एंगल होते हैं ये क्या होता है, इसके इंटीरियर, इंटीरियर एंगल मीन क्या हो गया, कि अंदर की तरफ बनने वाले जो एंगल होते हैं वो आपके इंटीरियर एंगल होते हैं, क्लियर। और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इस लाइन के जो बाहर पार्ट में बन रहा है, लाइक ये, इसको अगर देखता हूं तो ये सारे क्या होते हैं, ऑल एक्सटीरियर एंगल, क्लियर है गाइस, समझ गए, इतना आया आपको समझ में। तो यही सारी कहानी है, इसी के ऊपर बेस्ड है, कुछ क्लोज फिगर है। और एक और चीज देखिए, अगर मेरा कोई फिगर है वो तीन साइड से मिलकर बनता है, थ्री साइड से अगर कोई फिगर बनता है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, ट्राइंगल, यू ऑल नो, ठीक है। फोर साइड्स हो जाती है तो क्या होता है, वो क्वाड्रिलेटरल। फाइव साइड्स होती है तो क्या होता है, वो पेंटागन। सिक्स साइड होती है तो वो क्या होता है, हेक्सागन। सेवन साइड होती है तो क्या होता है, हेप्टागन। एट साइड होती है तो क्या होता है, वैसे ही आपकी बुक में और क्लियर दे रखा है, तो ये सर आप देख लेना एक बार अच्छे से इसको, देन इसी के ऊपर बेस्ड कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको मैं बता देता हूं, देन फिर उसके बेस पर हम सम आगे कर रहे हैं। तो आगे देखिए एक बार, हमारा जो इससे नेक्स्ट है एक स्टेप, वो है आपका फॉर्मूलाज, इसके बेस्ड पर कुछ फॉर्मूलाज हैं पॉलीगन के, और उन्हीं के फॉर्मूला के बेस पर आपको उनके सम्स जो है वो करने हैं। तो फॉर्मूला के अंदर हमारा फर्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है इच इंटीरियर एंगल, इच इंटीरियर एंगल आपको अगर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला आपका
सिंपल सा स्टैंडर्ड बना हुआ है, क्या होता है 2n-4 × 90/m, ये आपका क्या एक फॉर्मूला होता है, किसके लिए होता है ये, इच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन अगर फाइंड करना तो 2n-4 × 90/m। ओके, सेकंड बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल अगर फाइंड करना है आपको, एंगल मीन थीटा का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो होता है फॉर्मूला 360 degree upon m। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड अगर आपको फाइंड करना है तो आपका सिंपल सा बनता है n-2 वेयर n इज साइड। ओके, नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपको फाइंड करना है तो क्या हो जाता है नंबर ऑफ डायगोनल n-3/2, राइट, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो n-2 × ओके एन मान, तो ये क्लियर है इतना। अब देखिए इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है, फर्स्ट इच इंटीरियर एंगल अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है n-2n-4 × 90/m, वेयर n इज द साइड ऑफ अ पॉलीगन, इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ फाइंड करना है तो थीटा इज इक्वल टू 360/n हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर आपको फाइंड करना है तो फॉर्मूला सीधा होता है n-2, जितना साइड दिया उसमें से 2 माइनस कर दो। नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर फाइंड करना है तो आपका कितना डायगोनल बनेगा तो n-3/2, मीन नंबर ऑफ साइड्स 5 है, सपोज करो 5-3 = 2, 2 × 5 = 10, 10 × 2 = 5/5, तो 5 आपके डायगोनल बन जाएंगे पेंटागन के अंदर। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल अगर फाइंड करना है तो n-2 × 180 आपका फॉर्मूला होता है। इस इन सारे फॉर्मूलाज को आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये आपका बहुत ही ज्यादा यूजेबल है। ओके, एक्सरसाइज के बेस पर इसको आप नोट कर लो एक प्रॉपर मैनर में और इसको जितना जल्दी हो सके क्विक लर्न कर लो। ओके, देन मैं आपको आगे सम बता रहा हूँ उसके बेस्ड। ओके गाइस, तो अब हम आते हैं एक बार यहाँ पर सारे फोकस हो जाए, क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हैं आपको, तो उसमें से एक सेकंड क्वेश्चन बेसिक जो फाउंडेशन बेस्ड है इसको देख लेते हैं। फाइंड द मेजर्स ऑफ इच ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन, पेंटागन की अगर मैं बात करता हूं तो पेंटागन की साइड कितनी होती है, पेंटागन has 5 sides. Okay, then मुझे question पूछा है कि find the measure of each interior angle. Each interior angle का formula अगर आपको याद होगा, first था each interior angle के लिए formula क्या था, कोई बताएगा? 2n-4 × 90/m, यही formula था मेरा, first जो formula था, just थोड़ा सा reverse चाहते हैं, each interior angle, तो यहाँ पर n का value आपको given है, each interior angle का value मुझे फाइंड करना है, तो पूछा है इच इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, देन ये मुझे फाइंड करना है, तो इसको सपोज करो मैं x मान लेता हूं, देन 2 × n का वैल्यू कितना 5, पेंटागन इज 3 × 90/n का वैल्यू अगेन कितना है 5, 5 × 10-4 × 90 °/5 कितना हो जाएगा 5, देन 10-4 हो गया तो कितना हो गया 6/90 and 5, 5 से अगर मैं कैंसिल करता हूं 5 बन जा 5, 5 × 8 = 40। Each anterior angle x का वैल्यू कितना आ जाएगा 108 degree। क्लियर है गाइस, कुछ नहीं, मैंने पेंटागन था इसलिए n की जगह मैंने 5 रख दिया, इसको सॉल्व करा और x का वैल्यू फाइंड कर दिया। नेक्स्ट एक बार यहां आ जाइए, देखो फाइंड द साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, मीन n का वैल्यू आपको फाइंड करना, पॉलीगन व्हिच है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है, इच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 360/n, अच्छे से पता है सबको, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स n का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है कितना है 45, मीन ये वाला वैल्यू दिया मुझे 45 degree इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360/n, और मुझे नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना तो n को मैं ट्रांसपोर्ट कर दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा 360/45, तो वैल्यू ऑफ x इज 8, मीन जो गिवन फिगर होगा वो क्या था, होगा आपका पेंटागन। क्लियर है, खाली वैल्यू पुट करा है फॉर्मूले के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल दैट अ रेगुलर पॉलीगन हैव एन एक्सटीरियर एंगल इज 35 degree, मतलब बताना है कि आपको एक को इंटीरियर एंगल किसी पॉलीगन का 35 डिग्री हो सकता है क्या, तो वो कब होगा जब n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या फिर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगा तब आपका वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन पॉइंट्स में 2.5, 3.9, 4.6 इससे कभी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इंटीरियर इच एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल के लिए आपका फॉर्मूला क्या था, कोई बताएगा? सर एक ही था, क्या था, 2n-4 × 90/m, यही था। इच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू गिवन है कितना है 35 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2
एन माइनस फोर इंटू 90 अपॉन एन का वैल्यू मुझे फाइंड करना, तो इस 35 को यहाँ ले, सॉरी इसको ऐसे ही रखता हूँ, इस एन को यहाँ ले जाता हूँ, तो इस 35 को यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। 5 से कैंसिल कर दिया, 1 से 40, ठीक है। इसको 18 से करा, एन इजिकल टू कितना बन गया, ये 7 यहाँ हो गया, तो 7 एन इजिकल टू कितना हो गया, 36 एन माइनस 72, 36 एन इज 72, ये भी एन है, ये भी एन है, इसको यहाँ ले जाता हूँ तो क्या बनता है, 36 एन माइनस 7 इज इक्वल टू 72, इसको मैं वहां ले गया, इसको यहाँ ले आया, ठीक है। 36 माइनस 7 एन कितना हो गया, 29 एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 72, देन एन इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको मैं कैंसिल करता हूँ तो मेरा वैल्यू किस में आएगा, पॉइंट्स में आएगा आई थिंक, है ना, 29 डिवाइडेड बाय 72, तो 2 पॉइंट समथिंग बनता है, है ना। तो ये एन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इस टाइप से आपका फिगर नहीं बन सकता, क्लियर। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ नैनोगन, नैनोगन है मतलब साइड्स कितना हो गया 9, और नंबर ऑफ डायगोनल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस 3 अपॉन 2, वैल्यू ऑफ एन इज 9, 9 माइनस 3 अपॉन 2, राइट, कितना हो गया ये 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 6 27, 27, तो क्लियर है इतना जो चीज मैंने बताया, खाली फॉर्मूला बेस्ड है, सारे फॉर्मूलाज को एक बार दिमाग में फिट कर लो, देन आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 3.1 को आपको करना है, अगर उसके रिगार्डिंग कुछ आपको दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, और जितने सम्स करें इनको नोट कर लीजिए अपने को, ओके, थैंक यू गाइज।